hello my dear students i welcome you in my class learn english with bhavna mishra pandey today we will do poem from your book hornbill that is a photograph written by shirley tolson she was born on may 20th 1924 in england was the daughter of douglas horsfall dixon and Morsery brown

बचपन के फोटोग्राफ को देखती हैं तो वो अपनी मदर को याद करती हैं वेन हर मदर वॉज ट्वेल्व ईयर ओल्ड और सो उस टाइम उनकी मदर जो थी वो लगभग बारह साल की थी शी हैज़ बीन डीस्ट ट्वेल्व ईयर्स अगो और कम से कम बारह साल पहले शी वॉज डाइड वो मर चुकी हैं शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस तो अब जो दुख है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं शी कैन नॉट एक्सप्लेन उसको व्यक्त नहीं कर सकती जो ग्रीफ जो सौरव जो सैडनेस उनके मन में है लेट सी लाइन वन टू फोर फर्स्टा द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम और सो समल्व इ्डबोर्ड कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पे थिक पेपर एक थिक पेपर है उस पे कोई फोटोग्राफ पेस्टेड है शोज मी हाउ इट वॉज वेन टू गर्ल वेंट पैडलिंग पैडलिंग का मीन्स है वॉकिंग वन दो दो गर्ल्स एंड एक की मदर थ्री गर्ल्स वर दे एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदरस हैंड्स और उन दोनों गर्ल्स ने मदर मदर के हैंड्स को पकड़ रखा था बोथ साइड से

उनको क्या पता चलता है एंड वो जो फोटोग्राफ है वो पेस्टेड है एक थिक कार्डबोर्ड पे और उस पिक्चर में थ्री गर्ल्स हैं और वो कहाँ जा रही हैं वॉकिंग ऑन द बीच बीच पे जा रही है होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स द गर्ल इन द मिडल वो सबसे टॉलेस्ट हैं एंड ओल्डेस्ट सबसे बड़ी भी है अदर टू गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर और वो है कौन पॉइट की मदर The girl in the middle is the poetess' mother. She is around twelve years old when the picture was taken. So, when the picture was taken, mother, twelve year old. Hai. Now, next stanza, line number five to nine. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's that was before i was born and the sea which appears to have changed less washed their terrible transient feet so all three three girls two cousins and one poeteski mother stand still to smile they were there why khadi hoti hai still still means bina kisi motion ki bina hile dule. स्माइलिंग पोस्चर में वो खड़ी है थ्रू डिड उन्होंने अपने जो थे, उनको पे किया कैमरा और वो पोज दे रही हैं अपने बालों को साइड पे करते हुए आ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न और वो कब का टाइम है मदर के चाइल्डहुड का एंड पॉइटस जो है तब तक बॉर्न नहीं हुई थी तो पॉइटस जो है उनकी मदर के चाइल्डहुड का सीन है एंड द सी विच अपियस टू हैव चेंज और जो सी है यानी कि नेचर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को तो नेचर इज परमानेंट तो विच अपियस टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्प्री फीट फीट के जो निशान बन गए हैं जो वेव्स हैं वो उनके फीट को टच करके गई हैं और वो जो फीट के निशान बने हैं वो क्या हो गए हैं वहां से वॉश हो गए हैं सो इन द अबव लाइंस द पॉइंट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन फोटोग्राफ कैसे लिया गया हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज तो अंकल वहां पे खड़े हैं होल्डिंग अ कैमरा एंड गर्ल्स स्टॉप्ड देयर टू गिव अ गुड ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल्ड एट द कैमरा और सबने अपने बालों को सेट किया है फॉर अ गुड पोज द पॉइट अटेंशन इज टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब एज अ स्वीट फेस तो पॉइटस जब वो कार्डबोर्ड देखती जिस जिसपे फोटोग्राफ पेस्टेड है तो वो क्या देखती हैं उनका ध्यान चला जाता है अपने मदर के स्वीट फेस की तरफ द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पॉइट वॉज बॉर्न तो फोटोग्राफ कब लिया गया है जब पॉइट का चाइल्डहुड पॉइटे पॉइटस की जो मदर है उनके चाइल्डहुड का टाइम था तब लिया गया है और और तब तक नहीं हुई थी। दूसरी बात अगर देखा जाए दूसरी तरफ द सी विच टच देयर फीट हैज चेंज लेस तो जो पॉइट पोईट, पॉइटस है उनकी मदर और जो दो कजिन्स थी वो जो थ्री गर्ल्स थी उन वो अब तक चेंज हो गई हैं बहुत ज्यादा जबकि मीन्स दे हैड ग्रोन ऑर्डर लेकिन सी जो है वो वैसा का वैसा ही है देर इज नो चेंज इन नेचर नाउ लाइन नंबर टेन टू थर्टीन ट्वेंटी थर्टी इयर्स लेटर दे वुड लाफ एट द स्नैप शॉट सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे सो ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शी वुड लाव एट द फोटोग्राफ मीन्स शी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजिन मीन्स मदर किस को दिखा रही है अब चाइल्डहुड किसका है पोइटस का एंड मदर बड़ी हो गई है एंड वो अपनी फोटोग्राफ की तरफ दिखा के दोनों कजिन्स बैटी और डॉली को किसको दिखा रही हैं पॉइटस को कि देखो उनका ड्रेसअप कैसा है हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम अप फॉर द बीच यानी कि उन्होंने बीच पे जाने के लिए कैसा ड्रेसअप उनका था दे हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड और उसी टाइम शायद उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो सी हॉलीडे पे जाएंगे वहां पे एक फोटोग्राफ भी लेंगे So, line 14 to 15 was her past, mine is her laughter, both ray with the labored ease of loss. So, द पॉइटस रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदरस फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट अब जो पोइटर्स हैं वो रिकॉल कर रही हैं पास्ट का जो टाइम है उसको याद करते हुए कह रही हैं कि ये जो सी हॉलीडेज थे उनकी मदर के लिए ये बेस्ट टाइम था बेस्ट मोमेंट था उनका फेवरेट टाइम था जो उन्होंने स्पेंड किया अपनी कजेंस के साथ वाइल द पोइटस फेवरेट मोमेंट फ्राम द पास्ट वॉज हर मदरस लाफ्टर both the women would think about those past memories which they cannot live again और दोनों वो बारे में सोच रही सकते they tried their best to adjust to what they lost और वो adjust करने की कोशिश कर रही हैं कौन Poetess एंड उनकी मदर जो उन्होंने खो चुका है मतलब जो टाइम चला गया उसकी बात हो रही है यहां पे नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ द दिसकमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंसेस सो लाइन नंबर सिक्सटीन टू नाइनटीन इन द अब लाइंस द सेज दैट हर मदर डाइड ट्वेल्व इयर्स अगो अब पॉइटस जो है उनकी मदर की डेथ हुए ट्वेल्व इयर्स हो चुके हैं मींस ट्वेल्व ईयर बिफोर मदर डाइड द सेम एज हर मदर वाज इन द फोटोग्राफ और वही ट्वेल्व ईयर्स की एज कब की थी जब मदर सी हॉलिडे के लिए गई थी और अब उनको डेथ हुए कम से कम बारह ईयर्स ट्वेल्व ईयर हो चुके हैं

There is nothing to say at all. वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो सरकमस्टांसेस जो है उनकी वजह से साइलेंस साइलें जो चारों तरफ साइलेंस है उसने उनको पूरी तरह से चुप करा दिया है मीन्स वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुकी है डेथ हैज साइलेंड हर मदर विच हैजो लेफ्टीचलेस जिन्होंने उसको पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया है सो लेट सी दिटरेरी डिवाइसिस Used in the above stanzas. First of all, alliteration. Alliteration means repetition of a cons uh, consonant sounds at the beginning of two or more consecutive words. So, the instances uh, of alliteration in the poem are uh, written here. First, stood still, ss, then my mother, m, -M. first ss, then m, m then terribly transient feet.

फोर्सफुली मतलब हमको कुछ फोर्स लगा के कुछ काम करना पड़े एंड ईज का मतलब क्या होता है इजीली कंफर्टेबल वे में तो दोनों चीजें क्या है एक दूसरे की ऑपोजिट यू कैन से लेबर मतलब कुछ काम करना फोर्सफुली कुछ काम किया हमने एंड ईज का मतलब बहुत इजी वे में बहुत ईज कंफर्टेबल वे यू कैन से तो लेबर्ड ईज दिस इज ऑग्जीमरॉन एग्जाम्पल ऑफ एक्जीमरॉन देन एपिथेट एपिथेट इज अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग किसी चीज या किसी पर्सन की जो क्वालिटी एक्सप्रेस होती है दैट इज कॉल्ड एपिथेट सो टेरिबली ट्रांजियंट टेरिबली मींस वेरी मच बहुत ज्यादा ओके एंड ट्रांजिएंट मींस टेम्परेरी सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस now student in the next video we will discuss about all the textual and additional question answers so stay connected keep watching